बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, अबे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। नाज़रीन कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही, दुआ यही कि आप सब खैरियत से हों। और नाज़रीन आप सबको जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और वीकेंड है जनाब, तो वीकेंड को भरपूर तरीके से इन्जॉय करें। अगर वीकेंड अच्छा ना गुजरे ना, तो फिर आने वाला हफ्ता भी अच्छा नहीं गुजरता। और जो लास्ट वीक जो मेहनत की होती है ना, उसकी थकन भी दूर नहीं होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिलीजियसली जो है अपने वीकेंड्स को अच्छा गुजारते हैं। और इसलिए गुजारते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर हमने वीक में कोई वक्त अपने लिए नहीं निकाला, या कोई दिन हमने ख़ुद अपने दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ जिनके साथ वक्त गुजार के आपको अच्छा लगता है, कुछ लोगों को घूमना फिरना अच्छा लगता है, दोस्त यारों के साथ बैठना अच्छा लगता है, या कहीं बाहर जाके खाना खा लेना, या वीकेंड पर मूवी देख लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड को फ्रेश करती हैं। और जब आप फ्रेश हो जाते हैं, तो फिर जब आप वापस अपनी रूटीन की तरफ या अपने काम की तरफ लौटते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छा और बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं। ये एक इस तरह की ट्रिक है जिसको सबको आज़माना चाहिए। और अपने वीकेंड्स को, चाहे आप घर पर हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, उसे अच्छा ज़रूर प्लान कीजिए जनाब। सो ये तो रही मेरी और आपकी बात। आज के जो मेरे मेहमान हैं, उनसे भी हम ज़रूर पूछेंगे कि उनकी क्या रूटीन रही और अब क्या रूटीन है उनकी, किस तरह से अपने लिए वक्त निकालते हैं, और जब काम से थक जाते हैं सो फिर जो है वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। और इसके साथ साथ जो है राइट जनाब, और इसके साथ साथ जो है मैं आज के प्रोग्राम में एक और भी चीज़ है जिस पर बात करना चाहूँगी, जो ऐसी ख़ास है, जो है तो आम लेकिन बहुत ख़ास है। जी जनाब, मैं आम की ही बात करने जा रही हूँ, जिसके लिए उन्होंने गालिब ने कहा था ना, आम हो और खूब हो। तो ये आम इस वक्त खूब हैं और मार्केट में आपको बहुत सारी इकसाम के इस वक्त आम जो हैं वो मिल रहे हैं। भरपूर तरीके से आम को इन्जॉय किया जा रहा है। सो आम को किस किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये तो एक तरफ, इसका जायका इतना बेहतरीन है, और ये फलों का बादशाह है कि बस इसी का इंतज़ार रहता है कि आम आ जाए। तो कुछ आम के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ मौजूद है अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, खैरियत से हैं। अच्छा ये बताएं, जब रूटीन से थक जाते हैं तो क्या करते हैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए? होता है ना, बहुत महीनों से ही, या वैसे इंसान काम करते करते कभी कभी थक जाता है, उसको एक चेंज चाहिए होता है लाइफ में, सो क्या करते हैं उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमदन लिफातिर लिकुल्लि सलातिन अला खातिमुर रुसुल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए, पर्सनली बात करती हैं तो मैं ये समझता हूँ कि साल में कम अज़ कम 15 दिन तो रेस्ट करना चाहिए। अच्छा, 15 दिन रेस्ट करना चाहिए। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि या तो आप उम्रे पे चले जाएं, या फिर अगर आपके पास इतने नहीं, बार दफ़ा हर साल नहीं जा सकते, तो आप पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, नथियागली चले जाएं, मरी चले जाएं, कागान नारान, ये सब चीज़ें। इस वक्त तो पूरा इलाका भरा हुआ है कराची से। आप रमज़ान में होके भी आए हैं। वो असल में मैंने सोचा ये कि बच्चों की भी छुट्टी, तो हम नथिया गली में बहुत उम्दा तरीके से रहे, और पता भी महसूस नहीं होता था रोज़ा कि अच्छा। वहाँ पे ओले भी पड़ते थे, बारिश होती थी, तो बड़ा मज़ा आता था। तो ये असल में बेसिकली सेहत के लिए ज़रूरी है। True. कि जब आप लोग जितने वो हजरात जो दिमागी काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, तो वो बदन जिस तरीके से हम रोज़ा रखते हैं तो उसमें भी रिलैक्स तो होते हैं, लेकिन हम काम से जुड़े हुए रहते हैं। सुबह हम लाजिम ऑफिस जाते हैं, वो एक रेस्ट नहीं मिलता। तो हमको चाहिए कि सालाना कोई ना कोई ऐसे दिन निकालने चाहिए। और जहाँ तक वीकली है, वीकली छुट्टियाँ होती हैं, इसमें भी कोशिश ये करना चाहिए कि थोड़ा सा आउटिंग होनी चाहिए। इंसान के सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे अहम चीज़ ये होती है कि अगर आपके दिमाग को सुकून मिलेगा, घर पे जो है सुबह बैल बज रही है, जमादार आ गया, कचरे वाला आ गया, मासी आ गई, फल वाला आ गया, थोड़ी देर में सब्जी वाला आ गया, तो 8 बैलें तो ये ज़रूरी हैं। अच्छा, ये तो आप मेरी अम्मा वाली शिकायत कर रहे हैं, कहते हैं देखिए मैं सुबह जाते हैं, आप लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, तो अम्मा कहती है नहीं, तुम्हें क्या पता तुम्हारे जाते ही जो बैले बजना शुरू होती हैं, और वो बस, और मुझे वो याद आ गई आपकी ये बात सुन। तो वो उस चीज से भी आपको रेस्ट मिल जाता है। हाँ, कि आप सुकून से, आपको पता है कि आप घर पे कोई किसी से मिलना नहीं है। मेरे पास ये होता है कि अमूमन पेशेंट्स
आ गए, फ़ोन आ गए, कोई मिलने वाला आ गया, तो उन तमाम चीज़ों से आप बिल्कुल मुबर्रा हो जाते हैं और सुकून से अपनी लाइफ गुजारते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। राइट जनाब, सो एंजॉयमेंट की बात आई है तो सब इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर शख्स का फेवरेट है आम। सो भाई साहब, कितना फेवरेट है आपका आम और कितना इंतज़ार होता है आपको कि कब आएगा आम? मेरे साथ तमाम कौम का फेवरेट है, कौम का फेवरेट, बिल्कुल। यानी कि अभी देखिए कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसमें 48 से 52 के करीब अकसाम होती हैं आम की, सही। 48 तो बिल्कुल रजिस्टर्ड हैं, और उसमें ये है कि जो आम है ना, इसका मैं आपको बता दूं, आम बेसिकली ये है कि इसके तमाम अज्जा काम के हैं। जैसे आम आपने लिया, उसका छिलका जो है आप हाथ से उतारें, उसको मुंह में ना लगाएं और वो छिलका छुरी के साथ आप हटाएं, या आम इस तरीके से जो छोटे होते हैं उसका रस निकालें और वो छिलके आप महफूज करके रखें, उसको किसी धागे में पुरो के उसको सुखा लीजिए और उसका पाउडर बनाइए, तो वेट कम करने के लिए, पेट कम करने के लिए, वज़न कम करने के लिए वो पाउडर तैयार हो जाएगा। एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम आप खाएं, तो इससे आपका वज़न कम होगा। इसी तरीके से आम का ज़्यादा इस्तेमाल वज़न बढ़ा देता है, हाँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि आम के जो छिलके हैं उनको आप ड्राई कर लें, उसके बाद पाउडर बना के एक चम्मच सुबह और शाम लिया जाए, तो इसमें जो बल्कि होते हैं, पेट जिनका ज़्यादा हो जाता है, बाकायदा आप देखें कि वज़न कम होना शुरू हो जाता है सीज़न के अंदर ही, अगर आप ये सारा करें और ज़्यादा सुखा के आप उसको महफूज भी कर सकते हैं पाउडर को। इसी तरीके से आम का जो जूस होता है वो शुगर पेशेंट अगर वो लेना चाहे तो दरमियानी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम का एक आम हो, क्योंकि अगर मैं एक बोलता हूँ तो बड़ा आम भी हो सकता है, तो वो ढूंढ के बड़ा लिया जाएगा। तो एक आम 100 ग्राम तक का हो, उसका आप रस निकाल दीजिए और इसी तरीके से जितना रस की क्वांटिटी ग्लास में, आधा ग्लास वो है तो आधा ग्लास आप जामुन उसमें डाल दीजिए, जामुन को काट के उसकी गुठलियाँ अलग कर दीजिए, उसका भी जूस दोनों को ग्राइंड कर लीजिए और वो शुगर पेशेंट भी पी सकता है, सिर्फ इतनी मिकदार जो मैंने बताया। उसका जायका ना आम का ना जामुन का कैसा टेस्ट? नहीं, आप पी के देखें, बड़ा अच्छा होता है। और अगर फर्ज करें कि ऐसा नहीं करना तो एक आम खा लीजिए, ऊपर से 7-8 जामुन खा लें, और ये देखें दोनों साथ आते हैं, इसीलिए आते हैं कि शायद क्योंकि इसके शुगर के मरीज जो हैं वो भी इसको एंजॉय कर सकें। नहीं, इसके ये भी होता है कि आम के जो भी नुकसानात, बाज़ दफ़ा मिठास, बाज़ दफ़ा रेशे, बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ जो जामुन उसको बिल्कुल अच्छा कर देता है, उसको बैलेंस कर देता है, तो ये तो जूस। इसी तरीके से गुठली का भी बड़ा काम है कि गुठली जो है आमचूर उसका बनता है, आपने देखा कि उसके ऊपर का जो गुठली होती है, गुठली को दो टुकड़े किया जाए, अंदर से जो उसका मगज निकलता है उसके फ़ायदे मैं अलग बताऊंगा, और जो गुठली होती है उसके ऊपर का जो हिस्सा है उसका हार्ड शेल होता है, जो हार्ड शेल हो वो आमचूर बन जाता है। आप देख, आमचूर जो होता है ना वो खटास के लिए एक पाउडर, और इतने बड़े बड़े आम के जो पीसेस मिलते हैं वो बेसिकली इसके होते हैं, अच्छा, तो उसमें एक ऐसी खटास होती है और वो पेट के लिए आम की गुठली का जो हार्ड शेल है, हार्ड शेल के अंदर जो है वो तो वो तो सॉफ्ट है, हार्ड शेल हाथ से नहीं टूटता, हार्ड शेल वो छुरी से कटेगा और उसके बाद उसको वो करने के बाद ऊपर से वो उसको आप चाहें तो सुखा रहे, वो आमचूर बन जाएगा। और जो अंदर की मींग जिसे कहते हैं, जो मग्ज होता है, उसके बारे में ये बताऊं कि वो गंज के लिए बड़ा अच्छा इलाज है, वो बाल सिया करने के लिए बहुत अच्छा इलाज है, कि अगर आपको वो बहुत सारे आप 1 किलो के करीब जमा कर लें, 1 लीटर सरसों के तेल में उसको डाल के पका लीजिए, और पकाने के बाद वो तेल आप छान के महफूज रखें, वो बालों में लगाने से बाल सिया रहते हैं। और अच्छा, इसी तरीके से वो लोग जो कि दम्मे के मरीज हैं, वो 1-1 ग्राम जो है उसको चीनी में डाल के या इसी तरीके से खाएं तो उनके लिए बेहतर हो जाता है, वो यानी अच्छा, कि बेहतर होता है। और इसी तरीके से जो आम है उसको अगर हम बैलेंस तरीके से खाते हैं, यानी कि आप 1-2 किलो तो कोई चीज़ ही नहीं है लोगों के लिए, कि 1-1.5 किलो आम तो बड़े आराम से खा लेते हैं, तो उसमें ये है कि देखें ना, आम भाग तो नहीं रहा, आप आज खा लीजिए आम 0.5 किलो के करीब आप नाश्ते में ले लें, और कोशिश करें कि इसके साथ दूध का इस्तेमाल कम किया जाए। अच्छा, हमारे पास एक ये फैशन ये हो गया कि हम मैंगो शेक इस तरह बनाते हैं कि उसमें क्रीम भी डालते हैं, उसमें चीनी भी डालते हैं, उसमें दूध भी डालते हैं, तो वो मोटापा करता है, वो फजूल किस्म की चर्बी को बढ़ाता है, अच्छा, वजन को गेन करता है। आम के साथ दूध नहीं होना, दूध नहीं, इसी तरीके से आम का रस जो है उसका बेनिफिट है, जैसे बहुत से लोग मैंने कम्युनिटीज को यहाँ पे देखा कि वो आम के रस में थोड़ा सा पुदीना अदरक का रस डाल देते हैं और उसके बाद उसको अच्छी तरह मिला के मामूली से उसमें नमक डाल देते हैं, बाद लोग चीनी डाल देते हैं, लेकिन चीनी नहीं डालनी चाहिए, और वो सालन सा बन जाता है, उसको चावल में डाल के खाते हैं और रोटी के साथ खाते हैं।
आम तो का सालन इस जो मैंने बताया ये तरीका ओके इस तरीके से बना के और वो खाते हैं, यानी कि आम जब आ जाता है तो बहुत से घरों में तो पेटियां रखी रहती हैं और खाना स्किप और सिर्फ आम ही आम के है। सुबह भी उससे फायदा ये होता है कि आपकी नजर बसारत के लिए बहुत उम्दा चीजें, चूंकि इसमें विटामिन ए बहुत उम्दा है, इसमें हड्डियों की ताकत, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो बच्चे जो है तो दुबले होते हैं, उनको मोटा करने के लिए भी आप इसको दूध के साथ मिला के दे सकते हैं, उनकी सेहत के लिए, उनके खून बनाने के लिए। तो होता यह कि हमारे पास मुख्तलिफ शेव में अगर आम को दिया जाए, हमारे पास यही है कि हम मैंगो शेक को समझते हैं कि हमने फ़र्ज अदा कर दिया। फ़र्ज बात यह है कि आपको नुकसान ना दे, आप मैंगो शेक का जो फैशन है उसे कम करके आप जैसे मैंने बताया कि सिर्फ आम का रस जो है उसमें बाज़ दफ़ा अदरक का जूस डाल दें, बाज़ दफ़ा पुदीना डाल दें, बाज़ दफ़ा थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल दें, पेट जिनका निकला हुआ वो जब भी खाएं उसके ऊपर चार पांच जामुन और ज़ीरा थोड़ा सा चबा लिया करें, ज़ीरा भून के रखें, तो इस तरीके से जो है ना इनके नुकसानात नहीं होते। सही। और वैसे आम इटसेल्फ इतना जायकेदार फल है कि उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत होती ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ पर तो एक के बाद एक आपको बहुत सारे आम के जो है वो एग्जाम पे मिल रही होती है। अभी इस वक्त जिस तरह मैं बासी साहब से ये कही थी कि मैं तो बस वो मेरा दिल हो गया है क्योंकि अब ख़राब सा, क्योंकि अब सिंदरी जो है वो जा रहा है और चौंसा जो है वो बहुत सारे लोगों का बहुत फेवरेट होता है क्योंकि मिठास बहुत होती है उसका टेस्ट अलग होता है जिस तरीके से। और भी सरोली आम बहुत अच्छा होता है, दशहरी बहुत अच्छा होता है, लंगड़ा आम बहुत अच्छा है। लंगड़ा तो सिंदरी के साथ आ जाता है। अच्छा, तो आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? मैं अनवर अटोल समझता हूँ सबसे अच्छा आम है, उसका टेस्ट जो है वो छोटा भी होता है और उसका टेस्ट भी, और सिंदरी इज़ द बेस्ट क्योंकि उसके आप अगर कतले भी बनाते हैं तो वो अच्छे बड़े बड़े से बनते हैं, उसको पीसीस करके आप फोक के साथ खा सकते हैं, उसके कई बेनिफिट हैं। अच्छा, ये तो नए तरीके आ गए फोक से खाने। मैं तो एक जब इत्तेफाक था, एक बार मैं जब नानी के गांव गई हूँ वहाँ, तो वो गर्मी का मौसम था तो वहाँ तो उनके अपने बागात और सारी चीज़ें, तो वो बड़ा सा टब जैसा होता है बर्तन, उसमें उन्होंने पानी डाला और इतने बड़े बड़े बर्फ़ के जो है ना वो उन्होंने पीसेस वो तोड़ के वो उसमें डाले और माशाल्लाह से पूरी पेटी भर के आम थे और वो उसमें उन्होंने डाल दिया और वो चारों तरफ ना लोग ऐसे बैठ गए कि जिस तरह पत्नी कोई दावत है। थोड़ी देर बाद वो आम ठंडे हो गए और वो वैसे ही कोई छुरी कोई कांटा नहीं उसको नरम करके और वो एक तरीका जो है आम को खाने का वो खाया गया। और उसके बाद जो फौरी अमल किया गया था वो ये था कि दूध और पानी को मिक्स करके, क्योंकि गर्मी बहुत थी और उसमें टेस्ट के लिए हल्का सा नमक डाल के आम के ऊपर जो रूटीन में चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो होती है कच्ची लस्सी। कच्ची लस्सी ज़रूरी है जी, कि अगर आप आम ज़्यादा खाते हैं। मैंने वहाँ देखा कि आप देखिए गाँव में, पंजाब में, सिंध में, तमाम जगहों पर आप देखिए कच्ची लस्सी का इस्तेमाल आम के साथ ज़्यादा होता है, उससे वो हज़म भी हो जाता है क्योंकि आम बहरहाल भारी है, यानी कि वो हाजमे को ख़राब भी कर सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा खा सकते हैं। अगर आप 100-200 ग्राम के दो आम ले लें और वो ले लें तो वो आपका निज़ाम हाजमा इतना ख़राब नहीं करेगा, आपकी भूख को कम करेगा, वो सब तमाम चीज़ें करेगा। लेकिन उससे बेनिफिट जैसे मैंने लाया कि कमज़ोर बच्चे हैं उनको साबूदाना जो है साबूदाना बनाएं, और साबूदाना बनाने के बाद जब दूध उसमें ऐड करें तो उसके साथ सबसे पहले आम और दूध को ग्राइंड कर लें, पतला गाढ़ा सा नहीं। अच्छा। और वो आप साबूदाना के साथ आप दीजिए, आप 11 से 12 दिन में आप देखेंगे उस बच्चे की सेहत अच्छी होने लगेगी और वो गोरा और खूबसूरत होने लगेगा। अच्छा, और साबूदाना के साथ वो एक टेस्ट भी डिफरेंट, आम आप उसमें शामिल करें तो बड़ा डिफरेंट टेस्ट आ जाएगा। बट यस, अगर आप रूटीन में आप आम खा रहे हैं जो कि इस वक्त लोग बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे, तो आप उसकी जो हिद्दत है या वो जो उसके आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं उससे बचने के लिए, जिस तरह बादशाह साहब ने कहा कि दूध और पानी का इस्तेमाल जो है वो मिक्स करके आप ज़रूर करें, वरना अक्सर होता है गर्मी दाने भी हो जाते हैं या आपको एक्ने पिंपल्स भी होने लग जाते हैं। देखिए गर्मी दाने ख़त्म करने के, एक तो दूध की लस्सी कच्ची लस्सी है, दूसरा जामुन, मैंने कहा ना कि जामुन अच्छा। जैसे ही आम आता है जामुन पीछे से आ जाते हैं और वो आप जो है आम के ऊपर 5-6 जामुन आप खाएंगे तो गर्मी दाने और तमाम चीजें इतना ड्राई कर देता है। एक देसी जामुन भी होता है जी, एक जो देसी होता है उसका वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसका टेस्ट भी, उसमें गुठली भी नहीं होती उसमें, हाँ होती भी है तो बहुत बारीक सी होती है। और वो आपको नॉर्मली इसी तरह से अगर आप कहीं टीवी या इधर उधर चले जाएं तो आपको ज़रूर मिलेगा, बट यहाँ जो हमारे पास आ रहा होता है ये थोड़े लंबे साइज़ में, गुठली भी बड़ी होती है, बहुत मुँह को ड्राई कर देता है।
होता है, सो शायद इसलिए भी बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, बट आम के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। सलाम पाकिस्तान। अच्छा जी, वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, और आम के हवाले से आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि आम जो है वो एक इतना बेहतरीन फल है, बेशुमार फ़ायदे हैं इसके, चाहे इसका छिलका हो, इसकी गुठली हो, या आम इटसेल्फ जो है वो एक बेहतरीन फल है जो आपको ग़िज़ाइत ही ग़िज़ाइत फराहम कर रहा होता है। मैं भी वासी साहब से बात कही थी कि चलें हम फार्म्स की और इधर उधर की तो बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में भी आम के दरख्त लगाए हुए हैं, और कहते हैं जो फलदार दरख्त होता है उसकी हिफाजत ऐसे ही होती है जिस तरह आप अपने घर के किसी मेंबर की हिफाजत करें। अच्छा, जब कैरियां लगना शुरू होती हैं उन घरों में, उस वक्त से ही जो है वो लोगों का जो पत्थर आना शुरू हो जाते हैं। सर, ये बड़ा मामला है, आम वाले बड़े जिनके घरों में आम के दरख्त होते हैं, एक तो वो अपने आप को समझ बहुत कुछ रहे होते हैं कि हमारे घर का अपना आम है, लेकिन उस आम की क्या अलग कुछ होती है थोड़ी सी उसकी? वो बेसिकली देसी आम होता है। कराची में कई घरों में आप देखिए यहाँ पर लगाया, बाद लोगों ने अच्छी उसका नस्ल का भी लगाया हुआ आम। तो बात यह है कि आम जो होता है वो चोरी का उसका मजा ही और होता है। अच्छा, जो चोरी करके कैरी खाई जाती है ना, ये जो हमारी आवाम जो है वो जब तक वो पत्थर से मार के छोटी कैरियाँ बच्चे आप देखें सारे मोहल्लों में, तो बहरहाल ये बुरी बात होती है। लेकिन आप बुरी बात भी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं उसका मजा भी बहुत है, तो बचपन में हमने किया है, आपने किया है, हमारा गलती हर एक से होती है। तो वो हमारे भी पड़ोस में घर था वो, जहाँ जो हम देखते थे कि जब स्कूल से आते खाना वगैरह खाएगा, अब 3 बज रहा है, इसके माने घर वाले सो गए होंगे, तो अब हमने बस यही काम होता था, 2-3 दोस्त मिल गए और 2-4 पत्थर हल्के हल्के से लेके, हम तो ये कहते थे पत्थर मार के पत्थर को कैच पकड़ते थे, कैच के वो टूटेगा गिरेगा तो नहीं, नहीं मतलब पत्थर की आवाज ना आए। अच्छा, बाहर की तरफ जो दरख्त होते थे, तो ये बुनियादी तौर पर एक शगफ होता है, लेकिन ऐसा बहरहाल नहीं करना चाहिए। हाँ, फिर क्या करें, उनकी बेल बजाएं, उनसे बोलें प्लीज आपके घर में जो ये आम वो कभी नहीं देंगे, वो कभी नहीं देंगे, वो इतने इरिटेट हुए थे। मैं अभी वैसे आपको बताई थी, मेरी अपनी नानी के घर पर जो है यहाँ, जब अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, तो उन्होंने अपने घर में आम का, क्योंकि देसी गाँव की औरत थी, वो शहर भी आई, तो उन्होंने आधा का आधा घर बनेगा, आधा मुझे कच्चा चाहिए, कच्चा हिस्सा वो जरूरी था उनके लिए, तो उन्होंने आम और जामुन एक साथ लगाया हुआ था, और वो जाल वाला आम होता था देसी, क्योंकि लेकिन बाहर के इतनी परेशानियां होती हैं, बेले बजाते हैं लोग, ये वो सो असल में होता क्या है कि फिर जब आप बहुत ज्यादा कैरियां तोड़ लेते हैं, फिर आम ही आपको, क्योंकि जो देसी आम है वैसे उसको पकने में थोड़ा वक्त काफी लगता है, जो दरख्त का पका हुआ आम होता है ना उसका टेस्ट अलग होता है, एक टेस्ट अलग होता है, ऊपर की तरफ जो है लोगों के वो नहीं होता, तो वो बच जाते हैं हम, और वही हम इस्तेमाल, देखें अल्लाह ताला का कानून देखें कि बहुत सख्त गर्मी होती है और कैरी जो है वो आ जाती है। अब इसके लिए ये है कि सन स्ट्रोक हो आपको या हीट स्ट्रोक हो, उसके लिए कैरी का इस्तेमाल हम सबसे पहले बताते हैं कि कैरी को जो है किसी तंदूर में या फिर पानी में बॉयल करके उसका जो है पेस्ट निकाल लिया जाए, और उसे शरबत के तौर पे चीनी मिला के पानी, तो उससे जो है गर्मी के असरात कम होते हैं। इसी तरीके से कैरी के और भी कई फ़ायदे हैं इसमें, ये तो मैंने बताया गर्मी के लिए इसका शरबत का जो आपको बताया, इसी तरीके से जिनको लू लग जाती है बहुत से लोगों, तो उनके लिए भी ये है कि कैरी को आप थोड़ा सा बॉयल कर लें और उसका जो पेस्ट होता है वो अपनी पूरी उंगलियों के पोरों में, अंगूठों के पोरों में और पेशानी के ऊपर लगा दें, तो जो लू है वो जिस्म के अंदर असर नहीं करती। अच्छा, तो ये इसका खासा है कि जब ये दरख्त में आता है तो आते ही फ़ायदा देना शुरू कर देता है। कैरी की सूरत में इसके ये फ़ायदे हैं, फिर ये आम की सूरत में आता है तो देसी आम है, देसी आम का मैंने जैसे प्रोग्राम के शुरू में बताया कि छिलका भी काम का है, और उसका जो रस है उसे आप मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं, आइसक्रीम लोग बनाते हैं, मैंगो आइसक्रीम बनाते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा इसके सालन जैसे मैंने बताया कि इसमें पुदीना अदरक का जूस डाला जाए और ऊपर से वो कर दिया जाए, तो चावल के साथ बहुत से लोग थोड़ा सा ज़ीरा पुदीना और अदरक तीनों चीज़ों को बारीक करके और इसके आम के रस में ऊपर डाल देते हैं, और दोपहर के खाने में चावल के साथ वो यही खाते हैं। अच्छा, मैंने ऐसी कोई चीज़ कभी आम के साथ किसी और चीज़ को कभी, इसमें फ़ायदा ये होता है कि अदरक
बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, पुदीना बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इसको आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको आम रस जो होता है उसे आप अगर थोड़ा सा उसका जैसे पापड़ कह लें या पराठा कह लें वो बना लें, उसका तरीका भी यही है कि आपने आम का पेस्ट ले लिया और उसके बाद उस पेस्ट में आप तवे में आपने उसको डाल दिया और उसमें थोड़ा सा चीनी डालनी पड़ेगी ताकि उसमें थोड़ा सा एक वो आ जाए चिकनी चीज़ आ जाए। तो चाव इसमें आप चीनी डाल के उसको हिलाते रहिए, उसमें ज़रा सा नमक और साबुत मिर्ची होती है लाल वाली वो डाल दें और उसको बड़े ऐसे उसमें कवर में फैला दें। अच्छा। और फैलाने के बाद उसको आप कहीं पर महफूज रखें, तीसरे दिन वो बिल्कुल कड़क हो जाएगा। तो ये आम का पापड़ बन जाता है। बहुत से लोग इसको दूसरे तरीके से आम रस जैसे इंडिया से आता है लेयर्स में सब बंधा हुआ आता है पैकेट्स के अंदर, तो इसको महफूज रखते हैं। ये मतली के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, जिगर के हवाले से ये बेहतरीन दवा है और वो अफराद के जिनको अमूमन उल्टी की शिकायत रहती है उनके लिए ये अगर आप बना के रखें तो इसका इस्तेमाल आप करें, बहुत उम्दा चीज़ है। और इसी तरीके से उसमें अगर जो मैंने बताया कि जब आप चीनी और आम को करने के बाद उसका वो सुखाएंगे तो उसमें आप मिर्च ना डालें, वो बच्चों के लिए एक टॉफ़ी और स्वीट्स बन जाएगी कि आप आम की स्वीट्स बना लें। और उसका तरीका यही है कि उसको थोड़ा सा चीनी ज़्यादा डाल के और जब वो सूख जाए इतने बड़े बड़े उसकी टिक्कियाँ बना के और ऊपर चीनी सफ़ेद जो है वो पाउडर छिड़क दें तो टॉफ़ी बन गई। तो वो बच्चों के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। और इसी तरीके से आम का जो सेफ करने का तरीका है उसके मैं थोड़ी सी मुखालफत करूँगा कि ये जो स्लाइस बना के और प्लास्टिक में लपेट के रख देते हैं, सेव कर लिया जाता है, तो इसका इसलिए कि देखिए नफ़ी करता हूँ कि जो अल्लाह ताला का निज़ाम है कुदरती तौर पे जो फल का जो वक्त है उसी वक्त में खाना चाहिए। अब कल सिंदरी आम बंद हो गया, अब दूसरे टाइप के आम आ गए, ठीक है, थोड़े दिन पहले कीनू का मौसम था वो ख़त्म हो गया, अब हम तो नहीं खा रहे हैं कि उसको हम फ्रीज़ करके रखें या जो भी है। अब अनार आने वाला है, उसके बहुत फ़ायदे हैं तिब्बी तौर पे जिगर के लिए, उसके लिए तमाम लेकिन अच्छा है। सब जितने भी आप ये जो जिनके पास आप जाते हैं जहाँ पर आपको जूसेस मिल रहे होते हैं शॉप्स वगैरह पर, वो तो आपको सीजन आउट भी होता है फिर भी आपको उन फ्रूट्स के जो है वो शेक्स दे रहे होते हैं। हाँ। उन्होंने तो सेव करके रखा होता है। आई थिंक आउट ऑफ द सीजन कोई भी फ्रूट हो तो आप कोशिश करें उसका जूस या उसका शेक ना इस्तेमाल करें। हाँ, वही मैंने करने का मतलब ही यही है। अब जैसे मैंने कहा ना इसके हर चीज़ें बेनिफिट है, जैसे जामुन है, जामुन की गुठलियाँ सुखा के आप रख लीजिए, आम की जो गुठली के अंदर जो उसका मग़ज़ होता है वो सुखा के रख लीजिए, इन दोनों को खूब अच्छी तरीके से जब सूख जाए इनका पाउडर बना लीजिए और थोड़े से शहद के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर जो झाइयाँ हो जाती हैं सिया दाग हो जाते हैं अच्छा। उस पर आप लगाएं जामुन और आम की जो गुठली का मग़ज़ होता है इसको सुखा लें। तो थोड़े से मुश्किल काम तो होते हैं लेकिन आप हज़ारों रुपये बचा रहे हो। ये बाज़ार से जो इतनी महंगी क्रीम आप पिम्पल्स के लिए और जाइयों के लिए सब लेते हैं तो इसके बजाय आप ये दो चीज़ों को आप बना के रखिए, आप देखिए इससे बहुत अच्छा। ये आम को हमेशा ये क्यों कहते हैं कि हमने इसको ठंडा करके खाना है, ऐसा क्यों है? मतलब नॉर्मली आप जब भी देखें शहरों की बात करें गांव देहातों की बात करें तो यही बात होती है, वो पानी में डाल के उसको ठंडा कर लेते हैं, कहते हैं तासीर इसकी बहुत गर्म होती है इसलिए। तासीर इसकी गर्म भी होती है और दूसरी वजह ये होती है कि शहर में हमें जो आम मिलते हैं ना वो कार्बाइड के पके हुए होते हैं। अच्छा, आप ही देखें ना कि जो पेटी में पुड़िया सी होती है वो बेसिकली कार्बाइड होता है। अब उसकी गर्मी की वजह से वो गोदामों में रख देते हैं तो उसकी गर्मी भी होती है, वो कार्बाइड की गर्मी होती है, इसीलिए कहते हैं कि उसके अंदर इतनी गर्मी अंदर चली जाती है कि उसको एक आध घंटा बर्फ़ के पानी में रखना चाहिए ताकि वो सब हीट उसमें से निकल जाए, आपको फ़ायदा रहे। जो इस तरीके से ये आम खा लेते हैं तो उससे बाद लोगों के छाले हो जाते हैं, धोते नहीं है इन जगहों पे जो ऊपर वो ब्लैक उसका जो वो स्पॉट जो होता है जहाँ से रस निकलता है आम का उस जगह पे पानी सा निकलता है सफ़ेद सा रंग का, तो वो अगर इन जगहों पे लग जाए तो नुकसान होता है, तो वो उससे बचना चाहिए। लेकिन वो जो स्पॉट या वो पानी से जो निकलता है वो दांत जो हो जाते हैं रिंग्स भी बन जाते हैं, अगर किसी को वो प्रॉब्लम है तो वो वाइट चीज़ उस दांत के ऊपर लगाएं। अच्छा। तो वो चंद दिन में गायब हो जाते हैं। जबरदस्त। अच्छा, लेकिन जिनको मुंह में छाले हो जाते हैं आम की वजह से या गर्मी की वजह से उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसको ठंडा करके खाया जाए, जो नंबर एक। नंबर दो, जिनको छाले हो जाते हैं वो हरा धनिया ले लें और हरा धनिया को ग्राइंड करके उससे कुल्लियाँ करें, तो वो जो ठंडक पहुँचाएगा धनिया वो आपके छाले ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, पुदीना नहीं, धनिया? नहीं, धनिया छालों अच्छा। के लिए धनिया ज़रूरी है कि धनिया को पानी में ग्राइंड करके उससे आप कुल्लियाँ कीजिए, घर मुँह में थोड़ा सा च्यूइंग कीजिए इसको, आप देखेंगे एक दो मरतबा आप करेंगे तो वो छाले जो है वो ख़त्म हो जाएंगे।
ओके राइट, ज़बरदस्त. सो ये एक बड़ी बात ख़ास है कि आप, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो आम के इतने दीवाने होते हैं कि वो उसको सेव करना चाहते हैं कि हम कई अरसे तक. एक तो बात ये है कि जो फ्रेश चीज़ है उसका ज़ायका ही कुछ और है, उसका फ़ायदा कुछ और है. तो कोशिश करें जितना खाना है दिल भर के जो है वो आप सीज़न में खा लें, बट उसको स्टॉक करके जो है अब वो ना रखें, वो थोड़ा नुकसानदेह भी हो जाता है. और फिर आप उसी फ्रीज़र में आपने मीट भी रखा हुआ होता है, फिर फ्रोज़न आइटम्स भी होते हैं, फिर आपने फ्रूट भी उसके अंदर ही जो है वो किया हुआ है. क्योंकि हमारे यहाँ वो तो सिलसिला है नहीं कि हम अलग अलग बॉक्सेस बना के रखें. बहुत कम घरों में नॉर्मली फ्रिज के ऊपर का फ्रीज़र इतना बड़ा होता नहीं है, मिक्स होता है. तो वो उसमें उसकी वजह से एक तो अजीब सी स्मेल भी आ जाती है. और अच्छा ये भी लहसुन अदरक भी वहीं पर फ्रीज हुआ हुआ है, फ्रूट भी उधर है, मछली भी उधर है, गोश्त भी है. अच्छा फ्रिज खोल के ना किसी के अगर हम देखना हो कोई कितना सुगड़ है, आप उसका फ्रीजर जरूर खोल के देखें, आपको अंदाजा होगा कि जो है ये वो भी बस बड़ी खराब करती है. बात ये है कि हर आदमी का अपना कुदरत के तरीके नहीं खेलना चाहिए. जो भी आप है आपके अंदर कुवाद मुदाफियत रिजिस्ट जब ही पड़ेगी कि जब आप मौसम के फल खाएंगे. ठीक है, जो ज़रूरत होती है, जो मौसम होता है, जैसा सीज़न होता है. आपने देखा ना कि जैसे आम आता है आम के साथ जामुन भी आ जाता है. ठीक है ना, चेरीज भी आ जाती हैं, लीची भी आ जाती है. कितने फ्रूट्स हैं इस वक्त, आलू बुखारा आप देखिए पाकिस्तान का जो देसी है, आड़ू है, आड़ू आप देखें कितना उम्दा है. एक आम आता है उसे हम गुलाब का आम कहते हैं, वो देसी आम होता है. अच्छा। उसमें ऊपर रेडिश जैसे आड़ू होते हैं ना उस टाइप का होता है, वो बड़ा टेस्टी होता है. छोटे साइज में, छोटे साइज में होते हैं, चूसने के लिए होते हैं. और उमून हैदराबाद और इसके मज़ाफात में यहाँ पर उसकी फसल होती है, छोटे देसी आम कहलाता है. अनवर एटोल तो पंजाब की तरफ, रहीम यार खान और इस तरफ कहीं होता है. तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं और हमें इस का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि इसको बैलेंस तरीके से अगर हम खाएंगे तो ये सेहत के लिए बहुत उम्दा होता है. इसके पत्तों के बहुत फ़ायदे हैं, इसके पत्ते जो है आम के उसको लेके और उबाल के छान कर इस पीने से जो है खून साफ होता है. शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग खारिश और इसमें मुबतला उनके लिए बहुत अच्छा है. गुर्दे की पथरी के लिए बहुत अच्छा है. अच्छा, आम के जो पत्ते हैं उसको उबाल के वो उसका पानी पिएं. इसी तरीके से पिस्ता, आप देखिए आम को भी आप छोटे आम के किस्म का देखो, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है ना, तो वो गुर्दे की शक्ल का होता है. तो गुर्दे के लिए ये बहुत उम्दा चीज़ है. पिस्ता बहुत उम्दा चीज़ है कि आप पिस्ता ले लें और आम का जो आप जूस निकालें उसमें पिस्ता डाल के उसको ग्राइंड कर लें, इतना टेस्टी हो जाएगा. वो गुर्दे के मरीज़ आप लें, आपके जो डायलिसिस के मरीज़ हैं वो थोड़ा लें, लेकिन इससे ये होगा कि गुर्दा जो है वो मज़बूत होता है, उस नेफ्राइटिस वर्म को ये कम करता है अगर आप पिस्ते के साथ इसको लेते हैं. राइट, क्योंकि नॉर्मली डायलिसिस के पेशेंट के लिए तो आई थिंक बहुत थोड़ा कम मिकदार में जो है वो कहा जाता है कि आप बहुत कम थोड़ा सा आपने इस्तेमाल करना है. और अगर डायबिटीज़ भी हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है. आपने खुद, आप सबसे अच्छे जज आप खुद होते हैं अपने, कि आप जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आपको कितना नुकसान पहुंच रहा है या कितनी तकलीफ़ आपको हो रही है. तो इसलिए थोड़ा सा मकदार में, वो कहते हैं ना पेट भर जाता है नियत नहीं भर रही होती है. आम ऐसी चीज़ है कि बस मुकाबले हो रहे होते हैं घर में कि कौन कितना खाएगा. वज़न बढ़ाता है ये. और अगर आप मिल्क शेक्स पी रहे हैं, आम का शेक पी रहे हैं दूध के साथ मिला के, फिर उसमें क्रीम भी डालकर, तो ये सोच लें कि आम के बाद आपका वज़न जो है आप खा के आपने अपना वज़न बढ़ा लेना. इसलिए थोड़ा सा बैलेंस में जो है इसका इस्तेमाल करें. और ये बेहतरीन गिफ्ट है. आप देखें आम के सीज़न में लोग पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान से तो ये आम इतना अच्छा आपको यहाँ पर मिल रहा होता है कि दूसरे ममालिक में भी यहाँ से आम होता है. आप देखें जो जहाज़ों में लोग सफ़र करते हैं उनके साथ लाजिम पेटी होती है, पेटी होती है. ट्रेनों में लोग जाते हैं जो पंजाब से आते हैं वो अमूमन, सिंध से आते हैं वो अमूमन, तोहफे में यही देते हैं. और ये बड़ा अच्छा तोहफा है, बहुत अच्छा फल है और ये फ़ायदेमंद चीज़ है. बस ये है कि थोड़ा सा इसको शुगर पेशेंट को एक जिस तरीके से मैंने बताया उस अंदाज से लेंगे, उसके ऊपर जामुन ज़रूर खाएं तो वो उनके लिए भी फायदेमंद है कि वो मैंगो पार्टीज होती हैं. पार्टीज होती हैं बड़े बड़े होटल्स में, आप देखें एक अलग टेबल है, एक अलग मैंगो का तमाम चीज़ें, मैंगो शेक भी है, कटिंग किए हुए भी रखे हैं. उसके बाद
मैंने बताया ना पुदीने और इसकी चटनी उसमें डाल के वो भी पेस्ट अलग रखा हुआ है, यानी कि बाकायदा मैंगो डे मनाया हाँ, जाता है। लेकिन ये है कि वो सबके सामने खाने वाले कुछ फ्रूट होते हैं जो जिस तरह गोलगप्पे हैं, वो आप सबके सामने नहीं खा सकते, अजीब आपको जो है ना वो हाल हो जाता है। इसी तरह आम का भी है, लेकिन आम को जो है वो जितना आप देसी तरीके से खाएंगे उतना ही आपको जो है वो मज़ा आएगा। छोटे से बच्चे जो हैं उनको भी आप आम दे दें तो वो बड़े मज़े से उसको जो है वो इन्जॉय कर रहे होते हैं। उनकी एक ऐसा फल है जो पूरे जब जब आता है तो सब लोगों में एक रौनक सी आ जाती है इस फल की वजह से, और मुझे ऐसा लगता है इस फल के जाने के बाद ना लोगों में शुगर का मर्ज भी ज़रूर बढ़ जाता होगा। देखिए जाहिर बात है कि जो मरीज़ है वो तो अवॉइड करेगा, उसकी शुगर बिगड़ेगी अगर वो दिन में 2-2 किलो आम खाएगा। बिल्कुल ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 ग्राम तक खा सकता है। और ये है कि जो एक्सेस आम खाते हैं और उनके वरासती शुगर, उनके अम्मा अब्बा को या उनकी फैमिली में शुगर है, तो वो उन लोगों को शुगर होने का ज़्यादा एहतमाल होता है कि आप जो है ज़्यादा मीठी चीज़ें ना लें। ओवर चीज़ जो भी ली जाए, चाहे वो आम हो या मिठाइयाँ हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप एक्सेस लेंगे, लेकिन ना शुगर ज़रूरी नहीं है कि मीठी चीज़ से हो। अगर मीठे से शुगर होती तो हमारे हलवाई जो सारे शुगर के मरीज़ होते हैं। शुगर बेसिकली अंदर का सोच और टेंशन की वजह से जो है वो ज़्यादा होती है। मुझे बड़ी टेंशन मिल रही है कि ब्रेक ले लूँ मैं, ठीक है? तो मैं ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करूँगी। सलाम पाकिस्तान। कर सकते हैं और ये तमाम चीज़ें इसके साथ साथ जब आम आता है तो जामुन के बारे में भी काफ़ी तफसील से इन्होंने बताया कि आप उसकी गुठली से जो है वो किस तरह चेहरे के दाग धब्बों के लिए या शुगर के मरीज़ हैं वो इसकी गुठलियों को ड्राई करके उसके पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं बात सब ये जो एप्रिकॉट और पीच है, हम आड़ू का, खुबानी का या आलू बुखारा है, ये इस वक्त अवेलेबल है मार्केट में और बहुत अच्छा बड़ा फ्रेश है। ये आप देखेंगे अगर हम अपनी सेहत के एतबार से बात करें या खूबसूरती के एतबार से बात करें तो ये दोनों में बड़ा बेहतरीन मुआवन साबित होता है। कितनी क्रीम्स बनाई जाती हैं इन्हीं फ्रूट्स के ज़रिए। बिल्कुल, देखें आप ये आम को भी अगर हम लेते हैं तो ये जिन लोगों के झाइयाँ, पिंपल्स और उस वो आप आम का रस लेके अपने चेहरे पे 1 घंटे बाद धो लीजिए, लगाइए। अच्छा। 1 घंटे तक के इसी तरीके से ये जो आड़ू हो गया, एप्रिकॉट हो गया नहीं, तो इसमें ये कि आड़ू में ये है कि आप अपने जिस्म का मसाज करने से आपका रंग साफ़ होगा। आप आड़ू के 2 टुकड़े कीजिए और बाकायदा इस तरीके से नीचे से ऊपर तक के आप कीजिए, आपका रंग भी साफ़ हो जाएगा, स्किन में नरिशमेंट आ जाएगी, आपको किसी भी मेकअप की ज़रूरत नहीं होगी। आड़ू ऐसी चीज़ है। इसी तरीके से खुबानी का ये है कि खुबानी जो है वो खून बनाने के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। खुबानी के अंदर जो बीज होता है उसको तोड़ के जो बादाम हासिल किया जाता है वो हमारे जिस्म की अहम ज़रूरत होती है। अच्छा, बात यह है कि देखिए ना, मैं अमूमन बादाम की मुखालफत करता हूँ। अच्छा, वो क्यों? कि जो बाहर जो बड़े अच्छे खूबसूरत बादाम होते हैं फलाना, इसमें बेसिकली इंटरनेशनली होता यह है कि बड़ी मकदार में ये जो बादाम होते हैं इनको मशीन में डाला जाता है और उसमें बहुत बारीक से सुई डाल के इसमें से ऑयल सक कर लिया जाता है। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो मैं कहता हूँ जब भी बच्चों के दिमागी ताकत के लिए या उसके लिए आप बादाम लें तो आप बादाम शेल वाले लें। अच्छा, और इसी तरीके से विदाउट शेल वाले आपने बादाम लें। हाँ, अगर आप दिमाग के लिए चाहते हैं कि जैसे खूबसूरती के लिए शीरखुरमा बनाने के लिए तो ये बादाम ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो खुबानी का बादाम होता है ये भी बड़ा उम्दा है कि जब भी अमूमन लोग खुबानी का मीठा बनाते हैं, ख़ासतौर पर हैदराबाद दक्कन के लोग जो वो खुबानी का मीठा बनाते हैं, सूखी खुबानी, ताज़ी खुबानी का मीठा बनता है उसमें यही बादाम डाले जाते हैं जो बच्चों के लिए भी बहुत उम्दा चीज़। अच्छा, इसका टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट होता है, डिफरेंट दूसरे बादामों से अलग होता है। बिल्कुल अलग होता है। और इसी तरीके से आलू बुखारा बड़ी उम्दा चीज़ है। आलू बुखारा जो है अगर लोग बाकायदा खाना खाने से पहले 3 दाने लें तो उन्हें हेपेटाइटिस से बचाव के लिए ये बेहतरीन दवा है। अच्छा, हम देखें बिरयानियों में डालते हैं, फलानी चीज़ों में, सालनों में ड्राई जो मिलता है, तो जब आपके पास एक फ्रेश चीज़ मौजूद है तो आलू बुखारे का ये खासा है कि ये जिगर की इसलाह करता है, जिगर को ताकत देता है, नरिशमेंट देता है, खून अच्छा पैदा करता है।
और यहाँ एक अहम खबर से आपको आगाह करें, मुल्क भर में ऑपरेशन रद्द अल फसाद कामयाबी से जारी है। डीजी खान में रेंजर्स का पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों समेत खुफिया इतला पर ऑपरेशन। दहशत गर्दों के दो सहूलतकार गैंग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार होने वालों में खातून भी शामिल है। इस प्यार कैसा बताना है, दहशत गर्दों के कब्जे से असलहे की खेप भी पकड़ी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे सरदार हमीद से। सरदार, क्या तफसीलात हैं आपके पास, क्या बताया मजीद आई एस पी आर ने? जी लुकमान, आज आईएसपीआर का ये कहना है कि इंटेलिजेंस बेस जो है ऑपरेशन किया गया डीआई खान में, और इस ऑपरेशन के नतीजे में दहशत गर्दों को के दो सहूलतकारों पर मुश्तमिल जो दो ग्रोह हैं वो पकड़े गए हैं और इनमें खातून भी शामिल है। दहशत गर्दों की मावनत करते थे ये लोग, आईएसपीआर का कहना है, और इसमें एक खवातीन भी शामिल है। और दहशत गर्दों के ग्रोह के कब्जे से जो है भारी मकदार में असलहा गोला बारूद बरामद किया गया है। बड़ी खेप जो है असलहे की बरामद की गई है गिरफ्तार अफराद के कब्जे से, और इसके साथ साथ इनके कब्जे से कानून नाफिज करने वाले जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी यूनिफॉर्म भी बरामद की गई है, और जिससे ये जाहिर हो रहा है कि ये दहशतगर्दी के लिए इन लोगों ने ये असलहा और दीगर जो अमिनेशन है इस्तेमाल करना था, चाहे इसको नाकाम बनाया गया, और ये कार्रवाई आज पंजाब रेंजर की जानिब से की गई है। जी शुक्रिया सरदार हमीद, आपने तफसीलात से आगाह किया। आईएसपीआर का बताना है कि कार्रवाई ये की गई है डीजी खान में, रेंजर्स का पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों समेत खुफिया इतला पर ऑपरेशन, बड़ी कामयाबियां हासिल हुई। एक और आपको खबर दें, खैबर एजेंसी में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। लंडीकोतल में फोर्सेस की कार्रवाई, दो खुदकुश हमला आवर हलाक कर दिए गए हैं। धमाके के नतीजे में दो अहलकार भी जख्मी हुए हैं। फोर्सेस ने एफसी चेक पोस्ट पर हमला आवरों के दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी है। आपको आगाह करते चलें खैबर एजेंसी से, जहां पर खैबर एजेंसी में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है। लंडीकोतल में फोर्सेस की कार्रवाई, दो खुदकुश हमलावर हलाक कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे जहांजेब आफरीदी से। जहांजेब, बताइएगा इस कार्रवाई से मुतालिक। जहांजेब आफरीदी से मजीद तफसीलात जानेंगे, लेकिन यहां पर आपको बताएं कि खैबर एजेंसी में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है। लंडीकोतल में फोर्सेस की कार्रवाई, दो खुदकुश हमलावर हलाक कर दिए गए हैं। धमाके के नतीजे में दो अहलकार भी जख्मी हुए हैं। फोर्सेस ने एफसी चेक पोस्ट पर हमलावरों के दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी है। आपको आगाह करते चले खैबर एजेंसी से, जहां पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही, और अभी आप देख सकेंगे प्रोग्राम सलाम पाकिस्तान। सरदा वो भी है, फिर आम जब हो तो फिर आम के अलावा कहीं और नजर ही नहीं जाती था मेरी, अब आम के साथ साथ अंगूरों पर नजर चली जाती है, वो बड़े अच्छे कुछ अभी अभी इतना जबरदस्त वाला अंगूर नहीं आया इस वक्त, लेकिन ये कि शुरू हो गया है, आ चुका है साथ साथ। फ्रूट चाट आप बनाए तो उसका एक जुस्त अंगूर भी है ना, हाँ, उसमें आड़ू केला आम आप डालिए, अंगूर डालिए, बड़ा अच्छा बनता है। ये तीनों चीजें ठीक है, ये चीज़ तीनों चीजें सेब डाल लीजिए, सेब छोटे आ गए ना वो पहाड़ी इलाकों के, तो वो बड़े अच्छा होते हैं। राइट राइट, अच्छा तो ये सारी चीजें जो हैं इस वक्त आपको इतने सारे फ्रूट्स अवेलेबल हैं, तो फिर वो जो बात कर रहे थे ना वैसे आप आलू बुखारे की, वो आप स्किप कर जाते हैं, आप मिस कर जाते हैं, लेकिन वैसे मुझे बताइए कि इसका आप इस्तेमाल करें कि हेपेटाइटिस के लिए अच्छा है वैसे, क्योंकि इसमें तो इतनी एसिड कैलोरीज नहीं होती। अगर विटामिन सी का खजाना है ये, विटामिन सी आलू बुखारा जो है बहुत उम्दा चीज़ है, और खून बनाने में भी मुआविन होता है, रेड सेल बनाने में भी ये मुआविन होता है। आलू बुखारे का शरबत भी बनाया जाता है, शरबत बनाया जाता है, और इसका तरीका ये है कि लोग नहीं खाते तो आप सिंपल से ये करें कि इसका जूस निकाल लें, और जो फ्रूट चाट आप बना रहे हैं उसमें जूस डाल दीजिए, जूस डाल तो उसमें वो असर तो उसका आ जाएगा। सही, अच्छा वैसे फ्रूट चाट में भी आप इसको कट करके, और अच्छा कुछ लोग इसको छीलते हैं, कुछ लोग वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, कैसे खाना चाहिए आलू बुखारा? जैसे मर्जी, राइट, छिलके हटा के भी खा सकते हैं, छिलके के अलग बेनिफिट होते हैं, तो वो उसके साथ भी लिया है। ज्यादातर लोग ऊपर छिलका हटा देते हैं, उसको उंगली से उसको पिल कर देते हैं या छुरी से। अच्छा, और उसका आड़ू, जिस तरह आड़ू है अब मैं तो हमेशा उसको पील ऑफ करके उसके छिलका उतार के जो है वो इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन कुछ लोग वैसे ही डायरेक्टली जो है वो आड़ू का इस्तेमाल। देखिये, जो कुदरत का निज़ाम है कि अगर फ्रूट को आप, जैसे कई ऐसे फ्रूट हैं जो छिलके, जैसे आलू बुखारा हो गया, आड़ू हो गया, खुबानी हो गई, इनको बहुत अच्छी तरह धो के, और आप इसी तरह खाएं,
सही छिलके समेत, लेकिन मेरा दिल नहीं मुतमईन होता। वो जाहिर बात है ज्यादातर लोग जो छिलका होता है, सेब का भी अब ऐसा है कि आपका आड़ू हो गया, इसका छिलका खुबानी और आलू बुखारे का नहीं उतारा जाता, नहीं उतारा जाता, उसे ऐसे ही इस्तेमाल किया जाए। वो सेहत का बहुत अच्छी चीज़ है और बाकायदा नरिशमेंट देता है, कुव्वत के लिए बहुत अच्छी चीज है इंशाल्लाह। राइट, और आप देखें जितने भी आपको, आप अगर जो कॉस्मेटिक आप प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं उसमें जब आप वो वाला शेल देखें जहाँ पर स्क्रब्स आपको मिल रहे हैं या क्लेंजर्स जहाँ पर रखे होते हैं, वहाँ पर मैक्सिमम पपाया, पपीता, ये आड़ू या खुबानी, इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल, एप्रिकॉट, पीच, पपाया या कोकोनट, इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से जो है उन क्रीम्स को बनाया जाता है, उसमें वो जो एसेंस है वो क्रिएट किया जाता है और हमारे पास ये फ्रेश अवेलेबल होते हैं कि हम खाएं। लगाने से तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप बस सब खा लिया जाए, और ये क्रीम्स की शक्ल में इख्तियार करने में इनको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। एक्सपेंसिव पड़ जाता है, जैसे आपने कहा स्क्रब के लिए जो है वो आड़ू बहुत अच्छा है, जैसे मैंने तरीका बताया उस तरीके से आप पूरी बॉडी में उसको स्क्रब कर सकते हैं, लगा के आप नहा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि ये कुदरती चीज़ है, फ्रेश चीज़ है, तो जो क्रीमों का जो अफेक्ट आता है उसके आने में टाइम लगेगा, इसमें टाइम नहीं आता, आप तो डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो, डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो, ट्रू, कोई मिक्सिंग नहीं है इसके अंदर। और अभी हम अंगूर का जिक्र कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि वो आप बहुत सारे लोग इस्तेमाल करोगे, वो फिश कैप्सूल्स आते हैं ना, एम्प्यूल्स आते हैं जी जी। वो बिल्कुल आप देखें तो वो अंगूर की मुशाहबत रखते हुए जो है वो उसको शक्ल दी जाती है। सो ये जो अंगूर का एक एक दाना है ना, ये भी फुल ऑफ जो है वो विटामिन्स है, एक एक एम्प्यूल है, आप ये समझे, वो जो आप एम्प्यूल्स इतने महंगे ख़रीद रहे होते हैं, तो बस अब ये अंगूर जो है इसके क्या फ़ायदे हैं और इसका किस किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए बेसिकली जो है अंगूर बड़ी उम्दा फ्रूट में आता है और इसका फिर किशमिश बाद में बन जाती है, ठीक है। इसकी सबसे अच्छी जो चीज़ है कि मुनक्का हो गया, किशमिश हो गया, ये हमारे पेट के निज़ाम के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। किशमिश जो है रंग निखारती है, और इसी तरीके से अंगूर भी अगर आप खाएं तो वो रंग निखारने के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, आपके जिगर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आँतों में ये बहुत अच्छा जाके वर्क करता है। कॉन्स्टिपेशन के पुराने मरीज़ जो है वो अंगूर खाएँ तो उससे बड़ी बेहतरी आती है। तो ये कि जो भी अल्लाह ताला ने फ्रूट दिए हैं उसके फ़ायदे तो हमको लेने चाहिए, जैसे पपीता मशहूर है कॉन्स्टिपेशन के लिए, लेकिन अंगूर आप खाएं इससे भी आपको जो है कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल सही होगा। इसी तरीके से वो लोग जो पाइल्स के मरीज होते हैं उनके लिए अंगूर जो है बेहतरीन दवा के तौर पर आप इसको खाइए, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसी तरीके से जिस तरीके से लीची को आप ले लें, लीची जो है ये हमारे अतश या प्यास लगने की जो हमारे जिस्म की हिद्दत को कम करती है हमारे, क्योंकि पानी की जो है उसमें मकदार बहुत ज़्यादा, इसमें जो है जिगर के फ़ायदे के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। और सरदा गर्मा इस वक्त आया हुआ है आप देखिए, ये भी हमारे पोटाशियम को बढ़ाता है, दिमाग के नरिशमेंट के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, दिमाग में जो जितने भी वाटर होते हैं उसको इस गर्मा और सरदा का जो पानी होता है वो बेहतर करता है। और आम के तो खास बताने की ज़रूरत है। और जो जिस तरह आप अभी अंगूर का जिक्र कर रहे थे तो ये एक एक एम्प्यूल है, आप इसको एक अंगूर को जिस तरह आप चेहरे पर भी जो है आप उसको रब करें, बहुत अच्छा फ्रेश अच्छा, क्योंकि उसमें भी रेड ग्रेप्स भी आते हैं और नॉर्मली जो हमारे पास देसी भी है, रेड जो है वो असल में दिल की कुव्वत के लिए बहुत अच्छे, काले अंगूर जिसे हम कहते हैं, तो वो लोग जिनका दिल कमज़ोर होता है, मुफर्र कल्ब है, दिल की धड़कन खास तौर पे खफगान और पल्पिटेशन को कंट्रोल करने के लिए काला अंगूर दवा है। कि आप उसको ग्राइंड करके छिलके समय जो अंदर दाने वाने उसको छान लीजिए, लेकिन उसके छिलके भी आप ग्राइंड कर लीजिए, और उसके बाद वो पूरा अंगूर इस तरह से ग्राइंड करने के बाद इसका आधा गिलास जूस सुबह, आधा गिलास शाम, नहीं तो ये जो है पल्पिटेशन के मरीजों के लिए बहुत अच्छी दवा है। राइट अच्छा, और ये इंस्टेंट एनर्जी है, आप अगर वीक फील करें और आप कुछ अंगूर खा लें तो आपको एकदम से जो है वो एनर्जी फील होती है, क्योंकि जिस तरह अभी आप जिक्र कर रहे थे विटामिन्स पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, जो पोटेशियम अंगूर जो है बेसिकली उसके खाने के तरीके ये हैं कि अंगूर जितना भी लें आप कम अज़ कम समझ लेंगे 100 दाने के करीब, उसको पहले आप निकाल लीजिए, उसको साफ प्लेट में रखिए और कोशिश ये करें कि जो वो जो टूथपिक होती है टूथपिक से आप या फोक से एक एक दाना खाइए। अच्छा ये क्या हिकमत अब है? ये भी हिकमत है, ये क्या है हिकमत? वो हिकमत ये है कि जब आप एक दाना खाएंगे और अपने मुंह में लेके जाएंगे तो वो पूरी तरीके से उसको आप चबाएंगे और वो उसका जो जो
उसके जूसेस होंगे वो आपकी ज़बान में, हलक में, सब में लगेंगे। वो ज़्यादा का भी लगता है लेकिन कम लगेंगे। एक एक लेने से फ़ायदा है, इसमें हिकमत है कि एक एक दाना खाया जाए अगर तुम इसका फ़ायदा उठाना चाहते हो। अच्छा। जैसे चिलगोज़े के बारे में है, चिलगोज़े के बारे में कि आप 11 दाना खाएं लेकिन एक दाना पूरा ख़त्म हो जाए फिर दूसरा मुँह में डालिए। अच्छा, तो उससे जो है नरिशमेंट और कमजोरी दूर होती है। 11 जो है चिलगोजे की, चिलगोजे के 11 दाने और अंगूर के तकरीबन आप कह रहे हैं कि 100 दाने के करीब एक वक्त पे खाएं। हमारे पास होता है बस वो, चूंकि तकल्लुफन चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, खास तौर पे कहीं पे अगर हम एज अ गेस्ट जाते हैं। घर पे खाइए, रच के खाइए, एक लंच आप स्किप कर दीजिए और लंच के बजाय फ्रूट चाट खाएँ। इस ये तो बेहतरीन मौसम है, आप जो है बगैर किसी की चाट भी जो है वो आप फ्रूट्स को मिक्स करके, जो भी आपके फेवरेट फ्रूट्स हैं आप उनको मिक्स कीजिए। और उसके बाद इस वक्त केले एक बेशुबे ज़बरदस्त मौजूद हैं और वो 12 महीने का फ्रूट है जो आपको मिल रहा होता है। सेब भी आपको मिलता है 12 महीने में हो जाता है। अच्छा, वो जो रेड वाले आते हैं ना, उन्हें पॉलिश करके उसको चमका के, हाँ वो इम्पोर्टेंट। अच्छा, वो इतने जूसी भी नहीं होते हैं, वो अलग ही जायका है। जो हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो सेब है ना, बेहतरीन सेब, आप जो भी ले लें, कोयटा के जो सेब आते हैं वो कितने उम्दा होते हैं, पंजाब से और शुमाली इलाकों से जो सेब आते हैं कितने ज़बरदस्त होते हैं। तो वो बेसिकली जो है ना, वो अच्छा सेब होता है जो तकवियत के लिए बहुत उम्दा है। बहुत से लोग तो सेब का मुरब्बा बना के रख लेते हैं कि पूरा साल मुरब्बा दिल की तकवियत के लिए आमले के मुरब्बे के साथ लिया जाए तो वो बहुत उम्दा होता है। ये ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत उम्दा है कि आप आमला और सेब का मुरब्बा जो है सुबह के वक्त खाएँ, तो ये बहुत उम्दा चीज़ है। और वो लोग जो कमज़ोर अफराद हैं, 50, 60 या 65 साल के हो जाते हैं, उनकी पल्पिटेशन के लिए ये मुरब्बा जो है सेब का खाया जाए तो ये बहुत उम्दा चीज़ है। मुरब्बा उस सूरत में खाना है कि जब वो मौजूद नहीं है। अच्छा, सही। सेब मौजूद है तो उससे अच्छी कोई चीज़ फ्रेश है वो, फ्रेश। तो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आपने सुबह आप नाश्ता स्किप कर लें लेकिन आपने जो है वो सेब लाजमी आपने खाना है। और थोड़े दिन बाद ही आप ख़ुद फील करेंगे कि आपकी स्किन इतनी अच्छी होगी, आप ग्लो करने लगे। अच्छा, सेब के साथ दूध का कॉम्बिनेशन कैसा है कि आपने सुबह एक सेब खाया और उसके साथ एक ग्लास आपने दूध? अच्छा है, पूरी गजा, क्योंकि आयरन से भरपूर है और कैल्शियम दूध में ज़्यादा होता है, तो इनको अगर साथ लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। मैंने तो कई जगह देखा है वो उसका शेक भी बना लेते हैं, एप्पल शेक बना लेते हैं। अच्छा, एप्पल, खैर मैंने एप्पल शेक कभी नहीं ट्राई किया, बट ये कि अच्छा कहते हैं कि नॉर्मली सेब बेहतर है कि आप उसको वैसे ही सॉलिड फॉर्म में इस्तेमाल करें। वो जो सेब के जूसेस निकाले जाते हैं वो कहते हैं अवॉइड करना चाहिए। व्हाट डू यू से? बेसिकली सेब खाने का सही तरीका है, अगर आप कुवत चाहते हैं, अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो नाश्ते में 2 सेब कद्दूकश कर लीजिए। अच्छा, और उसमें काली मिर्च और नमक थोड़ा सा डाल के वो आप चमचे से खाएं और आपका नाश्ता है। ओके, तो वो आप खाएं। और सेब जो है जूस, इसका जहाँ तक ताल्लुक है, जूस में ये होता है कि वो जो उसके टॉप के ऊपर जो चीज़ होती है, जो छिलका है या छिलके के अंदर, तो उसमें सारी चीज़ें ज़ाय हो जाती हैं, वो सारा जो है वो मेल्ट होके वो अलग हो जाता है। आप खाली वो फूक जो होता है उसका वो पानी पी लेते हैं। तो बेहतर ये है कि सेब को छिलके के साथ और इसी तरीके से खाया जाए। राइट जनाब आसिफ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आज एक पूरी फ्रूट चाट जो है वो हमने आपके साथ डिस्कस की है, आम के साथ। आम के साथ जो है कि क्या, कौन से फल के क्या फ़ायदे हैं। हर फल जो सीजनल है वो ज़रूरी है कि आप उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। और अल्लाह करें कि वो जो एक कैंपेन चली थी कि फलों के प्राइस कम हो जाएंगे, उसको दोबारा से जो है वो बार बार हर महीने चलाया जाए ताकि ये हर किसी की अफोर्ड में आ सके और हर शख्स जो है वो फलों के जायके और उसके जो फ़वाद हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो सके। एक मैं ब्रेक लूँगी और इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करूँगी ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिएगा। सलाम पाकिस्तान।